नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट सेकंड ईयर EFM पेपर सेकंड राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण में यूनिट संख्या 5th का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अध्याय 22 ग्रामीण वित्त, जिसमें अंतिम यूनिट का, अंतिम चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन किसान टॉपिक है आज का। किसान साख पत्र योजना की प्रमुख विशेषताएं, कृषि साख में इस स्कीम की क्या आलोचनात्मक व्याख्या हुई। तो हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे KCC के बारे में, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड, जैसा कि आप जानते हैं, किसान को एक मूलभूत ये सुविधाएं हैं जिससे आसानी से इसके माध्यम से वह साख प्रदान कर सकता है जिससे कृषि कार्य बाधित न हो। तो KCC की जो स्कीम है वो अगस्त 1998 में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम की घोषणा की गई। किसान साख पत्र योजना तभी जारी की जाती है जब किसानों को निर्धारित भूमि मापदंड के नियमानुसार देख करके ही KCC जारी की जाती है। उसकी साख को ध्यान में रखते हुए KCC को जारी किया जाता है। तो हम किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में पढ़ेंगे कि अगस्त 1998 में किसानों को अल्पकालीन साख प्रदान करने के लिए एक अभिनव स्कीम की शुरुआत की गई। इस स्कीम का नाम किसान क्रेडिट कार्ड रखा गया। वर्तमान में KCC योजना बहुत ही लोकप्रिय हो गई है। इस स्कीम के अंतर्गत जारी किए गए कार्डों तथा स्वीकृत राशि में प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है, क्योंकि 31 मार्च 2015 तक KCC की वित्तीय संस्थाओं द्वारा 42.5 मिलियन कार्ड जारी किए जा चुके थे, जबकि 4,382.3 मिलियन का ऋण भी दिया जा चुका था। KCC योजनाओं में किसानों के लिए अल्पकालीन वित्त प्रदान करना आसान हो गया। इस स्कीम का उद्देश्य किसानों को बैंकिंग प्रणाली के द्वारा उपयुक्त एवं समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसके अंतर्गत किसान कृषि आदानों के क्रय सहित अपनी खेती संबंधी आवश्यकताओं के लिए साख प्राप्त करते हैं। यह साख लोचदार होती है, इसकी लागत कम आती है। यह स्कीम सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से पूरे देश में संचालित की जा रही है। KCC के अंतर्गत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों को सामान्य बीमा निगम, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के द्वारा किया जाता है। KCC दुर्घटना या उसकी स्थिति में होने पर 50,000 रुपया, स्थायी विकलांग की स्थिति में 25,000 रुपये व्यक्तिगत दुर्घटना पर कवर किया जाता है। RBI और रिजर्व बैंक ऑफ RBI और नाबार्ड ने KCC के लिए एक नई योजना शुरू की गई, जिसमें KCC एक ATM कार्ड की पहचान दी गई, जिसे ATM टर्मिनल विक्रय बिंदुओं पर पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 31 मार्च 2014 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी 111 लाख KCC ATM कार्ड परिवर्तन के लिए योग्य पाए गए, जिसमें 64.61 KCC को ATM में इस्तेमाल योग्य KCC कार्ड में बदल दिए गए। तो इस प्रकार से किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अल्पकालीन साख उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन रहा। अब इसकी विशेषताओं की हम बात करें किसान क्रेडिट कार्ड की, तो पहली तो है पात्रता। किसान क्रेडिट कार्ड की जब हम बात करें तो इसकी पात्रता में, इस स्कीम के अंतर्गत कृषक किसान प्राप्त करने की पात्रता वह रखता है जिसमें 5,000 या उससे अधिक उत्पादन प्राप्त हो, मतलब प्रोडक्शन 5,000 रुपये तक का क्या हो, प्रोडक्शन हो, तभी कर सकते हैं। तो इसकी पात्रता मिनिमम 5,000 रखी गई। अगला है किसान कार्ड। इसकी विशेषताओं में किसान कार्ड के अंतर्गत भी किसान साख पत्र की पात्रता रखने वाले किसानों को इस स्कीम के अंतर्गत एक किसान कार्ड व पासबुक या कार्ड सह पासबुक निर्गमित की जाती है। तो इसमें एक पासबुक होती है किसान कार्ड के साथ में।
एक साख की सीमा का निर्धारण। साख की सीमा का निर्धारण भी किया जाता है, जिसमें प्रत्येक किसान क्रेडिट कार्ड धारक के लिए साख सीमा निर्धारित की जाती है। इस कार्ड के द्वारा केसीसी साख की सीमा निर्धारित करते समय अनेक बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे किसान की संपूर्ण वर्ष की साख संबंधी आवश्यकता, कृषि उत्पादकता की संपूर्ण वर्ष साख संबंधी आवश्यकता, कृषि उत्पादन के लिए सहायक क्रियाओं से संबंधित वित्तीय आवश्यकता, किसान की भूमि का आकार व सिंचाई की सुविधा को शामिल किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की अवधि, किसान क्रेडिट कार्ड की अवधि को 3 वर्ष किया गया। केसीसी की अवधि को 3 वर्ष के लिए किया गया, उसके बाद में नवीनीकरण किया जा सकता है। तो प्रत्येक वर्ष इसका नवीनीकरण करना होता है। इस कार्ड के द्वारा प्राप्त साख को 1 वर्ष की अवधि में वापस चुकाना होता है। अगला है साख की राशि एवं उसका आहरण। साख की राशि व उसका आहरण में किसान साख पत्र की न्यूनतम राशि, इसके आहरण इत्यादि के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में समय समय पर दिशा निर्देश भी जारी करता है। किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा न्यूनतम साख राशि निर्धारित होती है। प्राय किसान की हैसियत उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किसान साख पत्र धारकों में अनेक वर्गों में रखा गया है। किसान साख पत्र के अंतर्गत स्वीकृत साख का संबंधित किसान अपनी आवश्यकता अनुसार अलग अलग किस्तों में भी आहरित कर सकता है। तो इस कार्ड को धारक चक्रीय नगद योजना रिवॉल्यूम कैश क्रेडिट की सुविधा भी प्राप्त होती है, जिसमें चेक के द्वारा आहरण प्रस्तुत करना हो सकता है। अगला है किसान साख पत्र के निर्गमन की प्रक्रिया। केसीसी की निर्गमन की प्रक्रिया। किसान साख पत्र के निर्गमन की प्रक्रिया में जो किसान केसीसी की सुविधा प्राप्त करना चाहता है, उसे निर्धारित प्रपत्र में बैंक को इस हेतु आवेदन करना होता है। आवेदन पत्र के साथ अपनी जमीन की जमाबंदी, गिरदावरी, स्वयं की फोटो और जमीन का नक्शा प्रस्तुत करना होता है। आवेदन पत्र की जांच और समस्त औपचारिकताओं का पालन होने के बाद ही बैंक कर्मचारी अधिकारी किसान की जमीन का मौका मुआवजा करते हैं। इसी तरह जांच के बाद पूर्णतः आश्वस्त होने पर ही बैंक प्रबंधक किसान को क्रेडिट कार्ड जारी करने का निर्णय लेता है तथा केसीसी जारी कर दिया जाता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड का किस प्रकार का प्रारूप होता है? केसीसी का प्रारूप एक निर्धारित रूप में क्रियान्वित किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का एक परिचय पत्र होता है। इस कार्ड निर्गमित करने वाले बैंक या उसकी शाखा का नाम, कार्ड धारक का नाम, पिता का नाम, गांव, डाकघर, तहसील आदि सूचनाओं का उल्लेख होता है। कार्ड के बाएं तरफ अंगूठे का निशान होता है, केसीसी अंकित होती है। तो इस प्रकार इसमें क्रम संख्या छिपी होती है, जिसके माध्यम से अधिकतम सीमा का ब्यौरा होता है। तो 2012-13 में भी परिवर्तन करके इसमें ATM बनाने की घोषणा भी की गई। एक अगला बिंदु है विशेषताओं में ब्याज की दर। ब्याज की दर केसीसी के अंतर्गत निर्धारित किसान साख पत्रों के द्वारा दी जाने वाली साख पर बैंक निर्धारित दर से ब्याज वसूल करता है। ब्याज उतनी राशि या उसकी अवधि के लिए वसूल किया जाता है जिसका वास्तव में उपयोग किया गया हो। तो इस प्रकार खरीफ की फसल की बात करें तो 7% ब्याज दर 3 लाख रुपए की मूलधन राशि के लिए फसल ऋण प्राप्त हो गया, जिसमें 1% की छूट का प्रावधान रखा गया। 2015-16 में 7% के लिए किसानों के लिए छूट रखी गई, भुगतान के लिए 3% की छूट रखी गई। किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली संस्थाएं, जिसमें वाणिज्यिक बैंक के SBI और RBI जारी है। तो किसान जारी करने वाली केसीसी जारी करने वाली
संस्थाएं जिसमें SBI और RRBS है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा किया जाता है। दुर्घटना बीमा किसान साख पत्र योजना को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाएगी, जिसमें मृत्यु की स्थिति में 50,000 रुपये व्यक्तिगत बीमा, स्थायी विकलांगता पर 25,000 का प्रावधान रखा गया। तो ये दुर्घटना बीमा है। जो कि क्रियान्वित महत्वपूर्ण रूप से ये इस प्रकार से। अन्य विशेषताओं की हम बात करें तो विवेक बैंक विवेकानुसार भी साख पत्र की उप सीमा को निर्धारित कर सकता है और उसकी प्रावधान भी, अनेक प्रकार के प्रावधान भी लागू कर सकता है। तो अब हम बात करें इसके किसान साख पत्र योजना के मूल्यांकन की। तो किसान साख पत्र योजना का रूप शुरू करने की अभिनव स्कीम है, न केवल किसानों को लाभ पहुंचा है जबकि बैंकों को भी लाभ हुआ है। इस स्कीम के माध्यम से बैंकों के पास तरल कोषों की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भी उपयोग हुआ है। किसानों तथा बैंकों में इस योजना का व्यापक भी स्वीकार किया गया है। किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में साख उपलब्ध होने लगी है। KCC के माध्यम से आसानी से ऋण प्रक्रिया सही रही है, किसी प्रकार की कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है। अभी हम बात करें इसकी बाधाओं की। किसान क्रेडिट कार्ड की अनेक प्रकार की बाधाएं हैं, जिसमें प्रथम बात करें बैंक प्रबंधक या कर्मचारियों की मानसिकता या यथायक परिवर्तन नहीं आ सकता। कुछ बैंक शाखाओं के प्रबंध अधिकारी किसान क्रेडिट कार्ड के अनावश्यक चक्कर लगवाते हैं, ये समस्या है। दूर दराज रहने वाले गाँवों किसान अभी जानकारी नहीं है, जिसमें अज्ञानता का अभाव है। तो एक तो किसी भी प्रकार अधिकारी इसकी आलोचना बात करें कठिनाई की, अनावश्यक चक्कर बैंकों के, एक लोगों में जागरूकता का भाव, क्योंकि दूर दराज रहने वाले व्यक्ति किसान वर्ग जो हैं उनको पूर्ण जागरूक नहीं होते हैं, जिनको इस लाभ नहीं मिल पाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों से बैंक ही पालन नहीं कर पाते हैं। KCC पर ब्याज दरों की अधिकतम सीमा में भी भिन्नता पाई जाती है। प्रारंभ में बटाईदार कृषकों के लिए KCC योजना के अंतर्गत ऋण की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। कुछ बैंकों के द्वारा KCC जारी करने पर महंगी दर से सेवा शुल्क भी वसूल किया गया है। वर्षा पर आधारित कृषि की स्थिति में प्राय किसान साख पत्र योजना जारी करने में आनाकानी भी करते हैं। किसानों को जमाबंदी, गिरदावरी, भूमि का नक्शा आदि प्राप्त होने में काफ़ी कठिनाई आती है। पटवारी व अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा सुविधा शुल्क वसूलने की भी कुछ शिकायतें भी सामने आई हैं। उपयुक्त कठिनाइयों के बावजूद भी किसान साख पत्र योजना मुख्य रूप से कृषि वित्त में एक पत्थर का मील सिद्ध हुई है। इस स्कीम के अंतर्गत ऋणों व ब्याज की दर 5 से 7% रखी गई है, जो ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने या उसकी प्रक्रिया को सरल बनाने में इसकी अहम भूमिका रही है। तो इस प्रकार हम आज इस किसान साख पत्र योजना की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और इसकी स्कीम की क्या आलोचनात्मक व्याख्याएं हैं, इसकी हमने आज इस वीडियो के माध्यम से हमने अध्ययन किया, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार टिप्पणी या ऐसे विस्तृत रूप से भी 20 मार्क्स के रूप में ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो हम इस प्रकार से किसान साख पत्र योजना, जो कि किसानों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो पाती हैं, जिसमें अल्पकालीन साख सही तरीके से क्रियान्वित हो पाती है। तो किसान साख पत्र योजना की मूलभूत ये विशेषताएं हैं, जिसमें पात्रता 5,000 प्रोडक्शन, किसान क्रेडिट कार्ड कब दिया जाए, क्या किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है और KCC की अवधि कितने वर्ष की है, साख की राशि व उसका आहरण, KCC की निर्गमन की प्रक्रिया कैसी है और KCC का प्रारूप कैसा है, और ब्याज दर, KCC जारी करने वाली संस्थाएं और दुर्घटना बीमा और अन्य विशेषताओं के बारे में हमने आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा की। उसकी आलोचनात्मक बात व्याख्या करें तो KCC वाकई में कारगर सिद्ध हुई है, व्यक्तिगत किसानों के लिए नहीं बल्कि बैंकों को भी। तो इस प्रकार हमने आज इस वीडियो में चर्चा की, जो कि आपके EFM पेपर प्रथम में राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण के यूनिट संख्या 5th यानी 1 से 5th तक की यूनिट हमने आज कंप्लीट कर ली है, जिसमें
ग्रामीण वित्त के स्रोतों में ये शामिल है। तो इस प्रकार जितने भी राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण से संबंधित वीडियोस हैं उनकी पीडीएफ हैं, आप उनको अच्छे से अध्ययन करें, जिससे आसानी से आपके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको हम वीडियो के माध्यम से या पीडीएफ के माध्यम से आपको डिलीवर करेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके आ सकें। तो हम आज अंतिम वीडियो में राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण के बारे में हमने चर्चा की, जिसमें 1 से 5 यूनिट के बारे में हमने पिछले वीडियो के माध्यम से हमने चर्चा की। आज अंतिम वीडियो था अपना ग्रामीण वित्त का। ये आपका सिलेबस 100% कंप्लीट हो चुका है, जिसमें EFM पेपर प्रथम में राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण विषय का। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।